Good morning students, this is your English grammar class and I'm your English teacher. Today we will discuss about tense. बच्चों आज हम किसके बारे में discuss कर रहे हैं? आज हम tense के बारे में discuss कर रहे हैं. Tense क्या होता है? ठीक है, चलिए तो start करते हैं हम अपनी class को और पढ़ते हैं tense के बारे में. Tense क्या होता है? Tense हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो tense बच्चों हमारा क्या होता है? Tense होता है हमारा काल, यानी समय. टेंस को हम क्या कहते हैं? काल यानी समय. समय मींस जो हमारा बीत चुका है, जो हमारा चल रहा है और जो हमारा आएगा, वो सभी चीजें किसमें आती है? हमारी टेंस में. ठीक है, अब हमारी हिंदी और इंग्लिश भाषा में, तीन दोनों भाषा में हमारे जो टेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं. कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, जिसको हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल. सेकंड होता है हमारा पास्ट टेंस, जिसको हम कहते हैं भूतकाल. ठीक है, थर्ड होता है हमारा फ्यूचर टेंस, जिसको हम बोलते हैं भविष्यकाल. तो बच्चों हमारे कौन कौन से टेंस होते हैं? एक होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, जिसको हम बोलते हैं वर्तमान काल. प्रेजेंट टेंस वो होता है जो हमारा अभी चल रहा है. ठीक है, जैसे कि मैं अभी इस टाइम मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ये मेरा काम किस में हो रहा है? प्रेजेंट में हो रहा है, अभी इस काम को मैं कर रही हूँ. सेकंड होता है हमारा पास्ट टेंस. पास्ट टेंस मींस वो समय जो हमारा जा चुका है. ठीक है, थर्ड होता है हमारा फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर मींस भविष्य, मींस जो हमारा आने वाला समय है वो होता है हमारा क्या? फ्यूचर टेंस. ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस की, पास्ट टेंस की और फ्यूचर टेंस की पहचान हम किस किस तरह से करेंगे. ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं. अब फ्यूचर सॉरी प्रेजेंट टेंस की क्या पहचान होती है? प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है जहां जिस भी सेंटेंस के लास्ट में हमारा ता है, ती है, और ते है. ठीक है, क्या होती है बच्चों हमारी प्रेजेंट टेंस की पहचान? हमारी प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है जिस भी सेंटेंस के लास्ट में हमारा ता है, ती है, ते है आ जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा प्रेजेंट टेंस बन जाता है. ठीक है, सबको याद रहेगा प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है जिस भी सेंटेंस के लास्ट में, जिस भी वाक्य के लास्ट में हमारा ता है, ती है, ते है आ जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस कहेंगे. मींस वो सेंटेंस जिसमें काम चल रहा हो. ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, राम स्कूल जाता है. क्या लिया है बच्चों हमने एग्जांपल? हमने एग्जांपल लिया है राम स्कूल जाता है. तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर लास्ट में क्या आया है? ता है. मींस ये जो काम हो रहा है, राम जो स्कूल जा रहा है, वो प्रेजेंट में जा रहा है. ठीक है, तो एक सेंटेंस और लेते हैं हम, माता जी खाना बनाती है. तो यहां पर भी आप देख सकते हैं सेंटेंस के आखिरी में, सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है? हमारा ती है. मींस
माता जी खाना बनाती हैं, तो जहां पर भी हमने अभी आपको बताया, जहां पर भी आपका ता है, ती है और ते है आ जाए, वो आपका सेंटेंस किस में होगा? वो आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होगा. ओके, चलिए अब हम देखते हैं अपना पास्ट टेंस. अब हम देखते हैं पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है हमारी. चलिए अब देखते हैं हम अपना सेकेंड पास्ट टेंस. पास्ट टेंस को हम क्या कहते हैं? पास्ट टेंस को हम बोलते हैं भूतकाल, मींस वो समय जो हमारा बीत चुका है. ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है हमारी पास्ट टेंस की? हमारी पहचान होती है जहां पर भी हमारा ता था, ती थी और ते थे आ जाए, मींस जिस भी सेंटेंस के लास्ट में हमारा ता था, ती थी, ते थे आ जाता है, वहां पर हमारा क्या, कौन सा टेंस यूज होता है? वहां पर हमारा पास्ट टेंस यूज होता है. जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, राम स्कूल गया. राम स्कूल गया. एक पहचान हमारी पास्ट टेंस में ये भी होती है जहां पर आ है, ई है, आ जाए, वो भी हमारा किस में होता है? पास्ट टेंस में होता है. ओके, जैसे कि यहाँ पर राम स्कूल गया, यहाँ पर आवाज किसकी आ रही है लास्ट में? आ की, मींस वो जा चुका है. ठीक है, माता जी ने खाना बनाया, यहाँ पर भी लास्ट में क्या आ रहा है हमारा? आ, मींस माता जी ने खाना बनाया, माता जी उस काम को कर चुकी हैं. ठीक है, तो जो भी हमारा काम पूरा हो चुका होता है वो हमारा किस में जाता है? वो हमारा पास्ट टेंस में जाता है. ओके, चलिए अब हम देखते हैं फ्यूचर टेंस. ठीक है, फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है? फ्यूचर टेंस क्या होता है? चलिए, फ्यूचर टेंस होता है हमारा, थर्ड है हमारा फ्यूचर टेंस. ठीक है, फ्यूचर टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? भविष्य काल. ठीक है, क्या बोलते हैं फ्यूचर टेंस को हम हिंदी में? भविष्य काल. अब भविष्य काल की पहचान क्या होती है? जिस भी सेंटेंस के लास्ट में हमारा गा, गी, गे आ जाए, तो वो हमारा कौन सा टेंस होगा? वो हमारा फ्यूचर टेंस होगा. ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, जैसे राम स्कूल जाएगा, यहां पर लास्ट में क्या आ गया हमारा? गा, मींस राम स्कूल जाएगा. अभी वो गया नहीं है और ना ही अभी वो जा रहा है, तो अभी वो फ्यूचर में जाएगा, मींस जो काम हमारा फ्यूचर में आने वाले समय में होगा तो वो हमारा किस में आएगा? फ्यूचर टेंस में आएगा. ठीक है, सेकंड लेते हैं हम, माता जी खाना बनाएंगी, यहाँ पर लास्ट में क्या आया हमारा? गी, मींस माता जी ने, ना तो वो माता जी खाना बना चुकी हैं, ना ही माता जी खाना बना रही हैं, और ना ही माता जी ने अभी उस काम को पूरा किया है. अभी वो आने वाले समय में, आने वाले टाइम में बनाएंगी, आने वाले टाइम में उस काम को करेंगी, तो माता जी खाना बनाएंगी. अभी उन्होंने वो काम नहीं किया है, वो काम को करेंगी, तो वो किस में आएगा हमारा? फ्यूचर टेंस में आएगा. ओके,
सो बच्चों, आई होप आप सभी को ये सभी चीजें अभी तक जो भी हमने पढ़ी हैं, फ्यूचर टेंस के बारे में, पास्ट टेंस के बारे में, फ्यूचर और पास्ट और प्रेजेंट की हमने पहचान पढ़ी है, ये सभी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी. ओके, अब हम देखते हैं प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है, अगर हमें कोई भी सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाना हो तो हम उसको किस तरह से बनाएंगे, उसके लिए हमें किस किस चीजों को फॉलो करना होगा. चलिए तो अब हम देखते हैं किस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाएंगे. प्रेजेंट टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्तमान काल. ठीक है, अभी मैंने आपको इसमें बताया था प्रेजेंट टेंस के अंदर हम टेंस किस तरह से हम पहचान करेंगे. तो किस तरह से हम इसकी पहचान करेंगे, जिस भी सेंटेंस के अंदर, जिस भी वाक्य के अंदर हमारा ता है, ती है और ते है आ जाए, तो वो हमारा किस में होगा, वो हमारा प्रेजेंट टेंस में होगा. ठीक है, प्रेजेंट टेंस में हम किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का. ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम इसमें यूज करते हैं. वर्ब यानी, वर्ब क्या होता है, हमारे जो एक्शन वर्ड होते हैं. ठीक है, जो हमारे एक्शन वर्ड होती है, जो हमारी क्रिया होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं. तो यहाँ पर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है. और हम इसमें एस और ई एस का यूज भी करते हैं. ई एस का यूज हम उन वर्ड्स के साथ करेंगे जिनके लास्ट में हमारा एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स और ओ आता है. जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं क्लास, क्लास में लास्ट में क्या आ रहा है हमारा, डबल एस. ठीक है, अब ई एस का यूज हम प्लूरल के लिए करते हैं और एस का यूज हम सिंगुलर के लिए करते हैं. क्लियर, अब हमें ग्लास का प्लूरल बनाना है और लास्ट में क्या आ रहा है, हमने अभी आपको पहचान भी बताई है, जिसके लास्ट में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स और ओ आए. तो उसके साथ में हम अगर ई एस को ऐड कर देंगे तो वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, प्लूरल में चेंज हो जाएगा. मीन्स ग्लास का हमारा क्या बन गया है, ये ग्लासेस. ओके, क्लियर इतना. इसी तरह से हम लेंगे, सॉरी, क्लास का हमारा क्या बन गया, क्लासेस. अब हम लेंगे ग्लास, ग्लास में भी डबल एस आ रहा है, अगर हम इसमें ई एस को ओवर राइड कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ग्लासेस. ओके, क्लियर. चलिए अब हम आगे देखते हैं डू और डज का यूज. ठीक है, डू और डज का यूज हम किस में करते हैं, प्रेजेंट, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं, डू और डज. डू का यूज हम कहां पर करते हैं, डू का यूज हम आई के साथ में और प्लूरल नाउन के साथ में हम डू का यूज करते हैं. और डज का यूज करते हैं हम ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन के साथ में हम इसका यूज करते हैं. ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों. डू का यूज हम किसके साथ करते हैं, आई और प्लूरल नाउन के साथ. और डज का यूज हम करते हैं ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम किसका यूज करते हैं, डज का यूज करते हैं. सो बच्चों, आई होप आप सभी को जितना भी हमने अभी तक आपको पढ़ाया है, आपको ये सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी. एस और ई एस का यूज हम कहाँ पर करते हैं, प्रेजेंट टेंस की पहचान किस तरह से करेंगे, डू और डज का यूज हम कहाँ पर करते हैं, पास्ट टेंस की पहचान कैसे करेंगे और फ्यूचर टेंस की पहचान हम किस तरह से करेंगे. सो आपको इसको घर पर अच्छे से रीड करना है, चीजों को समझना है. ओके, थैंक यू.